सुप्रीम कोर्ट के सात सवाल। आज इस विषय पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सात सवालों के जरिए आस्था से जुड़े कानूनी मुद्दों का परीक्षण करने की तैयारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार व विभिन्न धार्मिक पंथों के अधिकारों के बीच गुंजाइश और दायरा परीक्षण करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता व आस्था से संबंधित मुद्दों से जुड़े सात सवाल तैयार किए हैं। इस पीठ ने सबरीमला मामले के साथ ही मस्जिदों और दरगाहों में महिलाओं के प्रवेश और गैर पारसी व्यक्ति से विवाह करने वाली पारसी महिला को अग्यारी के पवित्र अग्निस्थल पर प्रवेश से वंचित करने की परंपरा से जुड़े मुद्दे बड़ी पीठ के पास भेजे थे, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों के बारे में एक न्यायिक नीति तैयार की जा सके। तो इन सात सवालों से जुड़े कई अहम पहलुओं पर आज विशेष में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं विशेष की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार से जुड़े उन मुद्दों पर विचार करेगा जिनको लेकर अभी भी बहुत स्पष्टता नहीं है या जिन मुद्दों को और स्पष्ट करने की जरूरत है। इससे धार्मिक आधार पर महिलाओं से पक्षपात से जुड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 सवाल तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग धर्मों में धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे से जुड़े सवालों पर विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और अलग अलग धार्मिक पंथों के अधिकारों के बीच गुंजाइश और दायरे का परीक्षण करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को ये भी कहा कि उसकी 5 सदस्यीय पीठ शबरीमला मामले में पुनर्विचार के सीमित अधिकार का इस्तेमाल करने के दौरान कानूनी सवालों को बड़ी पीठ को सौंप सकती है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने 10 फरवरी को संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और आस्था से संबंधित मुद्दों से जुड़े 7 सवाल तैयार किए हैं। फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट दिया गया है कि सभी व्यक्तियों को अपनी रीति रिवाज पालन करने का अधिकार है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो कहाँ तक जाएगा? क्या जो धार्मिक रीति रिवाज है, जो आर्टिकल 14 यानी गैर बराबरी है, गैर बराबर है, जो कहीं ना कहीं भेदभाव करता है, वो रीति रिवाज चलेगा या नहीं चलेगा? क्योंकि आर्टिकल 14 तो कहता है कि सब लोग बराबर हैं। इसका मतलब अगर मंदिर में जाएंगे तो सब लोग जा सकते हैं, मस्जिद में सब लोग जा सकते हैं, कोई भी कार्य है वहाँ पर आप महिला पुरुष में भेदभाव नहीं कर सकते, हमारा आर्टिकल 14 कहता है। लेकिन 15 ये कहता है कि सबको अपनी धार्मिक आज़ादी है। अब ये 9 जजों की बेंच ये तय करेगी कि जहाँ पे धार्मिक रीति रिवाज और बराबरी के अधिकार में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहाँ पे बराबरी का अधिकार सर्वाइव करेगा या धार्मिक अधिकार जो आर्टिकल 25 में वो सर्वाइव करेगा, ये फैसला तय करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट को। 9 जजों की बेंच ने जिन 7 सवालों को तैयार किया है उन पर एक नजर डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दायरा और मायने क्या है। अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्ति को मिली धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्थान को मिले अधिकार के बीच क्या संबंध और संतुलन होगा? अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्थान को मिला अधिकार क्या संविधान के भाग 3 में दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अधीन है? अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दिए गए शब्द नैतिकता का दायरा क्या है और मायने क्या है, और क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता शामिल है? अनुच्छेद 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता में दी गई धार्मिक परंपरा को किस हद तक कोर्ट परख सकती है या दखल दे सकती है? अनुच्छेद 25(2)(b) के तहत दिए गए शब्द सेक्शन ऑफ हिंदू का क्या मतलब है? क्या किसी धार्मिक समूह या धार्मिक संस्था से संबंध नहीं रखने वाला व्यक्ति जनहित याचिका के जरिए उस धार्मिक समूह या धार्मिक संस्था में प्रचलित परंपरा पर सवाल उठा सकता है? वो 9 जजों की बेंच किसी एक मैटर को नहीं सुनेगी, ना वो सबरीमाला सुनेगी, ना वो खतना हलाला पॉलीगेमी सुनेगी। वो केवल ये 7 सवाल, इसको फैसला करके फिर छोड़ देगी।
फिर उसके बाद 5 जजों की बेंच, जैसे जो खतना का मामला है, जो महिलाओं का बच्चियों का खतना किया जाता है मुस्लिम्स में, वो 5 जजों की बेंच अलग सुनेगी। हमारी PIL पॉलीगेमी हलाला पे है, उसकी 5 जजों की बेंच अलग सुनेगी। सबरीमाला का जो रिव्यू पिटीशन है उसको 5 जजों की बेंच अलग सुनेगी। तो जितने भी धार्मिक मामले हैं, ये एक लार्जर क्वेश्चन एक बार डिसाइड हो जाएगा तो आगे से जो बार बार सवाल खड़े होते रहते हैं, मुझे लगता है अब आगे के मुकदमों के फैसले में देरी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 17 फरवरी से दैनिक आधार पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों को ये सूचित करने का निर्देश दिया कि वे किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसी के बाद पीठ उन्हें बहस के लिए समय आवंटित करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने पक्षकारों की इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि पुनर्विचार याचिका पर विचार में दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करते हुए 14 नवंबर 2019 को 5 सदस्यीय पीठ ने कुछ बातें कही थी। कोर्ट ने कहा कि शबरीमला मंदिर की तरह ही मुस्लिम महिलाओं की दरगाह और मस्जिदों में प्रवेश, दाऊदी वोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना, गैर पारसी युवक से शादी करने वाली पारसी महिलाओं को होली फायर में प्रवेश पर रोक जैसे भी मसले हैं जिनका निपटारा आवश्यक है। विभिन्न धर्मों में महिलाओं के साथ पक्षपात से संबंधित मुद्दों को 14 नवंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बृहद पीठ को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों के बारे में एक न्यायिक नीति तैयार की जा सके। केवल सबरीमाला का मैटर नहीं है, इसमें मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश का मामला है, इसमें खतना का मामला है, इसमें पॉलीगेमी का मामला है, इसमें हलाला का मामला है, इसमें कई सारे ऐसे हैं सवाल जो इसके साथ जुड़ चुके हैं। सितंबर 2018 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने केरल के शबरीमला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित करने संबंधित व्यवस्था खत्म करते हुए इसे गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। उसके बाद से इस फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को ज्यादा स्पष्ट करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के संविधान ने यहां रह रहे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं, उन्हीं अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है। भारत में ये अधिकार हर एक व्यक्ति, या कहें कि नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सभी को समान रूप से प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त 6 मौलिक अधिकारों में से 4था अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। धर्म अंतःकरण का विषय है, यानी ये किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है और इसे किसी पर भी थोपा नहीं जा सकता। इसका सीधा संबंध मन यानी आत्मा से है। भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान ने धर्म की स्वतंत्रता तो प्रदान की है, लेकिन धर्म शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी है। जहां तक भारतीय संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता की बात है, तो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मूल अधिकार है। यहां तक कि 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है, और देश के हर नागरिक, चाहे पुरुष हो या महिला, उसे अपना धर्म मानने, उसे अपनाने और उसका प्रचार करने का हक है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 देश के किसी भी नागरिक या व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग 3 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। इस तरह अनुच्छेद 25 न केवल नागरिकों को बल्कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
आर्टिकल 25 से लेके 26, 27, 28, इवन 29, 30 भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन 25, 26, 27, 28 में ये कहा गया है कि आप अपने रीति रिवाज का पालन करोगे, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, यानी आपका कोई भी रीति रिवाज ऐसा है जिससे पोल्यूशन फैल रहा है, आपका ऐसा कोई रीति रिवाज है जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, वो आपका रीति रिवाज नहीं चलेगा। आपका ऐसा कोई रीति रिवाज है जो महिला पुरुष में भेदभाव कर रहा है, बेटे बेटी में भेदभाव कर रहा है, वो आपका नहीं चलेगा। हालांकि अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त इस अधिकार पर राज्य कुछ तरीके से नियंत्रण भी लागू कर सकता है, यानी राज्य ऐसी विधि बना सकता है जो धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है, साथ ही सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली विधि बना सकता है। अनुच्छेद 25 जहां व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक समूह के रूप में अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 के मुताबिक लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का, चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने और उसके स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि सबको अपने अपने रीति रिवाज पालन करने का अधिकार है, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, यानी अगर कोई आपका रीति रिवाज पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है तो वो आपको, आप उसको पालन नहीं कर सकते। यानी मान लो आप कहते हैं कि जी हमें नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन नमाज सड़क पर पढ़ना पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, तो वो आप नहीं मान सकते। सिमिलरली अगर कोई आपका रीति रिवाज मोरालिटी के खिलाफ है, इमोरल है, नैतिकता के खिलाफ है, अनैतिक है, आप उसको भी फॉलो नहीं कर सकते। वहीं अनुच्छेद 27 किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कर देने से छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे प्राप्त धन किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनियोजित किए जाते हैं। ये अनुच्छेद करारोपण का प्रतिषेध करता है, लेकिन कोई शुल्क वसूले जाने का प्रतिषेध नहीं करता है। आपका ऐसा कोई रीति रिवाज है जिसकी वजह से दो समुदायों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो नहीं चलेगा। इसलिए समय समय बहुत सारे फैसले आते हैं, लाउडस्पीकर पर बैन करना, 3 तलाक को बैन करना, सबरीमाला का मामला भी आया है, इसी और भी बहुत सारे मामले हैं। तो ये आप अपनी रीति और रीति रिवाज की आड़ में आप कोई ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जो इमोरल हो। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की कई सारे गाइडलाइन में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी रीति रिवाज अगर नेचर के खिलाफ है, अगर वो प्रकृति के खिलाफ है, तो वो रीति रिवाज नहीं कहा जाएगा। यानी आपका कोई रीति रिवाज ऐसा है जो गैर बराबरी पैदा कर रहा हो, आपका भाई लड़के और लड़की दोनों पेट में 9 महीने रहते हैं, तो यानी ऊपर वाले ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, अब अगर उसको बाहर वहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, उसको नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 28 में ये प्रावधान है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारत एक जीवंत लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान धर्मनिरपेक्षता का परिचायक है और मौलिक अधिकारों के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं से भेदभाव के मामलों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर कानून लाकर ही रोक लगाई जा सकी थी। महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का हवाला देते हुए कई मामले कोर्ट में लंबित हैं। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़े सभी मामलों पर स्पष्ट तस्वीर बनाई जा सके। भारत
भारत में वैदिक युग में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर धार्मिक अधिकार मिले हुए थे। महिलाओं को यज्ञों में सम्मिलित होने, वेदों का पाठ करने और शिक्षा हासिल करने की आजादी थी। लेकिन पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर और देवदासी जैसी घृणित धार्मिक रूढ़ियां बाद में प्रचलन में आ गईं। 19वीं शताब्दी के मध्य में राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन, स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन करने वाले ईश्वर चंद विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले, दलित स्त्रियों की शिक्षा के लिए योगदान देने वाली सावित्री बाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने अंग्रेजी सरकार के दौरान महिलाओं के हित में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 सहित कई कानूनी प्रावधान पास करवाने में सफलता हासिल की। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं के सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 के तहत समान अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने का प्रावधान किया, जबकि मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51AE के तहत स्त्रियों के साथ अपमानजनक प्रथाओं के परित्याग के लिए भी संविधान में प्रावधान किया। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक के विरोध में लंबे समय से आंदोलन होता रहा, जो बाद में कोर्ट तक पहुंचा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदाय के बीच महिलाओं के खतना की परंपरा और पारसी महिलाओं की गैर जातीय विवाह के बाद धार्मिक अधिकार पर भी सुनवाई करेगी। 3 तलाक का फैसला आ चुका है, आपका सबरीमाला का फैसला आ चुका है, आपका अभी आने वाले टाइम में पॉलीगेमी हलाला का मामला पेंडिंग है 5 जजों के सामने। ये सवाल जैसे डिसाइड हो जाएंगे, फिर वो सवाल भी डिसाइड हो जाएंगे। जैसे ये 7 सवाल डिसाइड हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत खतना का मामला डिसाइड होगा कि खतना पहन सकते नहीं, खतना कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि खतना भी इनह्यूमन माना गया है। किसी बच्चे के अंग को काट देना एक तरीके से क्रुएल्टी है, तो सुप्रीम, हमारा संविधान क्रुएल्टी की अनुमति नहीं देता, न जानवरों की क्रुएल्टी की अनुमति देता है, न इंसान के किसी पार्ट्स की क्रुएल्टी की अनुमति देता है। इसी तरीके आपका फिर मंदिर में प्रवेश, और भी मंदिर हैं, प्रवेश की बात आएगी, मस्जिद में प्रवेश का मामला आएगा, आपके जो है एक पारसी वाला मैटर चल रहा है पहले से, वो भी मामला है। इस तरीके मुझे लगता है कम से कम इस सुप्रीम कोर्ट के ये जो 7 जब 7 क्वेश्चन डिसाइड हो जाएंगे, तो लगभग 10 बड़े सवाल ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वो सारे डिसाइड हो जाएंगे। साल 2016 में छात्राओं के एक समूह ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक की परंपरा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे। मंदिर प्रशासन के बयान पर विरोध हुआ और महिलाओं ने सोशल मीडिया पर #happytobleed अभियान छेड़ा और उनके बयान को लिंगभेदी बताया। इससे पहले 1990 में केरल हाई कोर्ट में महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। 1991 में केरल हाई कोर्ट ने इस बैन को सही ठहराया। 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 10 से 50 साल की औरतों के प्रवेश की मांग की। 2008 में मामला 3 सदस्य बेंच को रेफर कर दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केरल सरकार और सभी पक्षों को सुनने के बाद मामला 5 सदस्य बेंच को रेफर कर दिया। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने का फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने कहा था कि सभी श्रद्धालुओं को पूजा का अधिकार है और उन्हें रोकने के 2 तरफा नजरिए से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचती है। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर और मुंबई के हाजी अली दरगाह का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 400 साल से पुरानी परंपरा के अनुसार मुख्य पूजा स्थल पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। 2016 में भूमाता रंगरानी ब्रिगेड की 500 से ज्यादा महिलाओं ने पूजा स्थल तक प्रवेश के लिए मार्च किया। कुछ महीने बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश की इजाजत दे दी। इसी साल मुंबई के हाजी अली दरगाह के मामले में भी मुंबई हाईकोर्ट ने दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर लगे बैन को हटा दिया। 2014 में डॉक्टर नूरजहां साफिया नियाज ने रोक को चुनौती देते हुए ये याचिका दाखिल की थी। धार्मिक भेदभाव तो काफी दिन से चला रहा है, सदियों से चला रहा है,
एक लिमिट तक तो समझ में आता है भाई। जैसे नवरात्र है, वहाँ कन्या पूजन होता है, लड़के का पूजन नहीं होता। अब कोई लड़का आके PIL फाइल करे कि नहीं नहीं कन्या पूजन क्यों हो रहा है, मेरा पूजन क्यों नहीं हो रहा है, तो ये तो कोई भेदभाव नहीं हुआ, एक ट्रेडिशन है। कभी पुरुष की पूजा हो रही, कभी महिला की पूजा हो रही। लेकिन अगर कोई रीति रिवाज ऐसा है जहाँ पे बहुत ही गंभीर, जैसे एक व्यक्ति चार बीवी रख सकता है, एक सौहर चार बीवी रख सकता है, लेकिन एक बीवी चार सौहर नहीं रख सकती, तो ये मोरालिटी का मामला हुआ। ऐसे 10 मामले हैं, मुझे लगता है टोटल 10 मामले ऐसे हैं। पॉलीगैमी है, हलाला है, मुता है, मिसयार है, खतना है, इसके अलावा मंदिर में प्रवेश है, मस्जिद में प्रवेश है, ये सारे मामले इसके बाद ही डिसाइड हो जाएंगे। दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में नाबालिग लड़कियों की खतना प्रथा के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र सरकार ने भी इन याचिकाओं का समर्थन किया है। 2018 में इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए खतने वाली प्रथा को निजता के अधिकार का उल्लंघन माना था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि धर्म की आड़ में लड़कियों का खतना करना जुर्म है और वो इस पर रोक का समर्थन करती है। वहीं पारसी महिलाओं के गैर जातीय विवाह का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि पारसी महिला अपने धर्म का अधिकार खो देती है जब वो किसी दूसरे धर्म के पुरुष से स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करती है। अक्टूबर 2017 में इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या ये जरूरी है कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करने पर महिला को भी पति का धर्म ही अपनाना पड़े। हमारा ये मान मत है कि ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया है, ऊपर वाले ने महिला पुरुष को एक जैसा ही बनाया है। थोड़ा उसके फिजिकल कंस्ट्रक्शन भले चेंजेस है, लेकिन माँ के पेट में सारे बराबर रहते हैं, और वैसे भी समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ऐसी चीज़ें जिनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब ऐसे ही चल रहा है, मुझे लगता है उन चीज़ों को पालन नहीं करना चाहिए। हमारा संविधान आर्टिकल 51 ये कहता है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, कि हमें अपने सभी रीति रिवाजों को साइंटिफिक तरीके से सोचने की ज़रूरत है, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो अगर हमारा कोई भी रीति रिवाज ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है, तो उसको खत्म कर देना चाहिए। भारतीय संविधान में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हालांकि महिलाओं को लेकर कई बार विरोधाभास भी देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों में सुनवाई करेगी उससे उम्मीद है कि धार्मिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज विशेष में मेरे साथ